नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज में। और पंचकुला से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हरियाणा शिक्षा विभाग के समक्ष सेक्टर 5 स्थित प्रदर्शन स्थल पर धरना दिया। हम आपको बता दें कि प्रदेश के मंत्री सुमित जागलांग ने के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन, देश भर से आए छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों की मांग भी की है कि अपनी अनदेखी पर उन्होंने रोष व्यक्त किया है। प्रदेश के मंत्री सुमित जागलान का कहना है कि कोरोना काल में लोग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, परंतु ज़्यादातर महाविद्यालय सरकार के निर्णय की अनदेखी कर रहे हैं। इसको लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा सदन के बाहर 45 मिनट तक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके पश्चात IAS अजीत बालाजी जोशी और कई अन्य छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। और इस पर IAS ने कहा कि 15 सितंबर तक हम मांगे पूरी करेंगे। का प्रोटेस्ट हरियाणा सरकार के यहाँ खोलने के लिए किया गया है। विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों के बीच से 11 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के सामने रखा था। 26 तारीख को हमने अपना ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल और शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया। उसके बाद हमने जिला अनुसार सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद 31 तारीख को सभी जिला केंद्रों पर हमने प्रदर्शन किए। उसके पश्चात भी हरियाणा सरकार को विद्यार्थियों की कोई चिंता नहीं है, उनको छात्र हितों से कोई मतलब नहीं है। आज कोरोना का बहाना बनाकर पता नहीं सरकार कहां जाके छुप गई है। विद्यार्थियों की कोई चिंता ना करते हुए एक ऐसा अड़ियल रवैया सरकार अपनाए हुए है, जिसमें उनको सिर्फ अपना दिखता है, विद्यार्थियों की कोई चिंता उनको नहीं है। विद्यार्थी परिषद द्वारा सरकार को पहले चेतावनी दी गई थी, अगर 31 तारीख के प्रदर्शन के बाद सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया या जो हमारी मांगे हैं, जैसे पिछले वर्ष फीस बढ़ाई गई थी और उसको वापस करने की बात हुई थी 15 दिन के अंदर, परंतु एक साल होने के बाद वो फीस वापस नहीं हुई, उस फीस को वापस करने की बात थी, या जैसे अभी विद्यार्थी नए सेशन में ऑनलाइन क्लासेज लगाएगा तो ऑनलाइन क्लासेज में जो यूनिवर्सिटी के संसाधन है, जो महाविद्यालय के संसाधन है, उनका प्रयोग नहीं करेगा, तो उसी अनुपात में विद्यार्थी की फीस कम होनी चाहिए, ऐसी हमारी एक मांग थी। तीसरा हमारी एक मांग थी कि अभिभावकों को जो एजुकेशन फीस है उसको इंस्टॉलमेंट में पे कराया जाए, ताकि किसी भी अभिभावक पर, किसी भी विद्यार्थी पर ऐसा एक विपरीत परिस्थिति में आर्थिक बोझ ना पड़े। एक ऐसा 11 सूत्रीय मांग पत्र हमारा था, परंतु सरकार के द्वारा अब तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया है, या इस सरकार ने की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल या सरकार की तरफ से कोई जवाब हमें मिला है। आज के धरने प्रदर्शन के अभी इसके पश्चात हम हायर एजुकेशन में निदेशक जी को ज्ञापन सौंपेंगे, और उसके अगर वहां से ठोस कोई आश्वासन मिलता है या कोई ठोस हमारी मांगों को मानने की वो लिख के देते हैं, तो उसके बाद हम ये धरना को समाप्त करेंगे, वरना आज के बाद से हरियाणा में एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी। विद्यार्थी हितों के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा लड़ता आया और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा जिले के हरियाणा के 22 जिलों में प्रदर्शन करेंगे। जब तक कि हमारी सभी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। जी, सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से हमारी मांग ये है कि पिछले वर्ष सरकार ने फीस माफी की, थी जो कि 85% कैंपस में अभी तक माफ नहीं हुई है, जो सरकार के कुछ लोगों ने ही अपने पेटों में हजम की हुई है। आज हमने बस वो निकलवानी है। आपका क्या कहना है? ना होने के कारण जो हमारा आज प्रदर्शन है, और हमारे प्रांत मंत्री जैसे बताया है कि अगर आज मांग नहीं मान जाती तो हमारा प्रदर्शन जो है 22 के जिला केंद्रों पर ऐसा प्रदर्शन होगा जो देखने लायक होगा।